हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक रिटायरीज का क्या इशू है 12th वाइफ रिटायर्ड सेटलमेंट को लेकर। तो चलिए बात करते हैं द रियल फैक्ट्स बिहाइंड द डिसीजन टू एक्सटेंड 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन टू प्री नवंबर 2002 बैंक रिटायरीज एंड रिवोल्यूशन ऑफ एक्स ग्रेसिया कॉन्सेप्ट। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें इन्होंने जो बैंक पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैनी ऑफ द सो कॉल्ड ऑफिस बियरर्स ऑफ UFU एंड देयर हैंचमैन फंक्शनिंग अंडर ग्वाइज ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन नॉट अवेयर ऑफ द गेम प्लान ऑफ IBA टू चेंज द बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 1962 to 2016। यानी कि IBA का एक कोई गेम प्लान है जो जिन्होंने क्या किया, CPI इंडेक्स को 1960 से बेस ईयर से 2016 चेंज किया है। उसके बाद वो कहते हैं द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन IBA डिसाइडेड टू एक्सटेंड 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज एंड इन्फॉर्म्ड UFU आई रोड अंडर दिस कॉलम दैट दिस जेस्चर इज ए प्री ल्यूज टू चेंज द बेस ईयर फ्रॉम फॉर CPI फ्रॉम 1962 to 2016 सिंस दे वुड गेट एक्सपोज्ड इफ दे कंटिन्यू विद प्रेजेंट 1960 इंडेक्स फॉर द सिंपल रीजन योर डीए परसेंटेज वुड बिकम 0.04% पर स्लैब दिस बाइपार्टाइट सेटलमेंट एंड फ्रॉम नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट बाइपार्टाइट सेटलमेंट इट वुड एंड अप विद 0.02% पर स्लैब एंड इवेंचुअली टू नेगेटिव टेरिटरी। प्लीज रिकॉल वी हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम 4% पर स्लैब फॉर 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन एंड 3% पर स्लैब फॉर 75% न्यूट्रलाइजेशन अंडर द सेकेंड बाइपार्टाइट सेटलमेंट टू द प्रेजेंट लेवल ऑफ 0.07% पर स्लैब फॉर 100% न्यूट्रलाइजेशन अंडर 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो ये उन्होंने बात कही है। उसके बाद कहते हैं कि दिस इज हाउ बैंक एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज हैव ऑल अलोंग बीन चीटेड अंडर द पेंशन रेगुलेशन 1995 रिटायरीज विल हैव टू बी पेड डीए इन अकॉर्डेंस विद डीए पेबल टू serving employees, so IBA has no other choice but to extend 100% DA neutralization to pre-November retirees since they have decided to change the base year for DA calculations from 1960 to 2016. They cannot have two different base year for serving employees and retirees, and hence the offer of ex gratia and doesn't attract DA. This is simple arithmetic क्लासिफिकेशन ऑफ डीए इंडेक्स 8088 एज एक्स ग्रेसिया स्टीड ऑफ अपडेशन रिविजन ऑफ पेंशन एज एक्सटेंडेड टू RBI रिटायरीज इवन 3% लोड एज एक्सटेंडेड टू सर्विंग एम्प्लॉयज इज नॉट गिवन टू द रिटायरीज 10% लोड एज वाज एक्सटेंडेड इन थर्ड बाइपार्टाइट सेटलमेंट हैज बीन नैरोड डाउन टू 3% अंडर दिस सेटलमेंट एलास सर्विंग एम्प्लॉयज आर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्री दिस nefarious game plan of IBA and UFU combined would lead to so many anomalous situations and only the judiciary will have to intervene to settle the anomaly created by IBA and UFU combined. तो गाइज, ये था आज का न्यूज, जो पेंशन रिटायरीज हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, पूरी हिस्ट्री को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो गाइज, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।